नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। आज हमारे बीच मौजूद हैं पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष श्री गौतम कोठारी जी। आप जाने माने समाज सेवी हैं, शिक्षाविद हैं, उद्योगपति हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इंदौर के विकास के लिए, इंदौर की विकास की समस्याओं को लेकर और खासकर रेलवे के मामले को लेकर आपके द्वारा बहुत अधिक पहल की गई है, और समय समय पर इंदौर की जनता की ओर से आपने आवाज उठाई है और उनके कई सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। तो हम जानते हैं कोठारी जी से कि किस तरह से इंदौर की रेलवे की सेवाओं को विस्तार देने के लिए और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं रेलवे की इंदौर लाने के लिए आपके द्वारा जो प्रयास किए गए उनकी अपन उनकी जानकारी प्राप्त कर। देखा जाए तो मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, और दूसरा जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वो पूरे देश में मध्य की स्थिति है। तो इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। लैंडलॉक्ड स्टेट होने के कारण से हमारे पास कोई समुद्री किनारा नहीं है, और अगर कहीं हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रगति करनी है, उस मैप पे हमको जाना है, तो हमें समुद्र वाली स्थिति हमारे आड़े आती है। दूसरी तरफ मध्य में होने का एक फायदा ये मिलता है कि हम देश की हर कोने से एक करीब करीब लगभग समान समय दूरी पर हैं। इंदौर से अगर आप देखें या भोपाल से आप देखें तो 24 घंटे में हम देश के 75% जनसंख्या को कवर करते हैं, उतने भूभाग तक हम पहुंच पाते हैं। लेकिन ये पहुंचना तभी हो सकता है जब हमारे पास कम्युनिकेशन हो, हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो, हमारे पास रोड्स हो, हमारे पास रेल लाइन हो। दूसरी तरफ जो प्रदेश के औद्योगिक विकास की बात होती है तो वहाँ सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि कच्चा माल आएगा कैसे और फिनिश्ड गुड्स जाएगा कैसे। अगर रेल परिवहन का गंभीरता से अध्ययन किया जाए तो रेल परिवहन में पैसेंजर और गुड्स, ये दो फैक्टर होते हैं। पैसेंजर एक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था में सरकार पैसेंजर से बहुत ज़्यादा किराया वसूल नहीं सकती, और गुड्स अगर माध्यम बनते हैं तो किराए की काफ़ी गुंजाइश होती है और उसके कारण फायदे की स्थिति बनती है। हमने ये अनुभव किया कि हमारा पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र और इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र इस बात के कारण पिछड़ रहे हैं कि यहाँ रेल लाइनों की बहुत कमी है और हम मुख्य रेल लाइन से दूर हैं। हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा होता है, और उस महंगे ट्रांसपोर्टेशन के कारण से यहाँ के उद्योग दूसरे राज्यों के उद्योग से कम्पीट नहीं कर पाते, और हमारा एक्सपोर्ट भी जो है वो कॉस्टली होता है। इसका जब गहराई में हम गए तो हमें ये लगा कि हमें JNPT यानी मुंबई के बंदरगाह से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जुड़ना हमें लगा कि बहुत ज़रूरी है कि हम उससे शॉर्टेस्ट रूट से जुड़े। कांदा से हम जो गुजरात का पोर्ट है उससे शॉर्टेस्ट रूट से जुड़े। तो इसको देखते हुए हमने अपनी मांग उठाना शुरू की। जब हमने मांग उठाई तो हमसे पूछा गया कि भाई आपकी मांग के पीछे में आप ये बताइए कि आप किस प्रकार से फिजिबल हो सकते हैं, आपकी जो क्षमता है कितनी उत्पादन है, कितना ट्रांसपोर्ट होगा, कितने गुड्स। तब ये स्थिति बनी कि इसका पूरा अध्ययन किया जाए, और मैंने 2006 से जब सूचना का अधिकार कानून आ गया था मैंने लगातार RTI लगाई रेलवे में, और सारे जितने भी रेल लाइन के रिपोर्ट्स थी, सर्वे रिपोर्ट्स थी, उन सारी रिपोर्ट्स को मैंने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में उनका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद मुझे ये लगा कि इंदौर को हमेशा से बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है। जो भी अध्ययन किए गए वो गलत आंकड़े पे किए गए, किसी AC कमरे में बैठ करके अध्ययन कंप्लीट कर लिया जाता था, और उसके आधार पे इंदौर की फिजिबिलिटी हर रेल लाइन के लिए नकार दी जाती थी। ये खेल बहुत लंबे समय से रेल विभाग में चला। जिस राज्य का रेल मंत्री होता था वो सारी सुविधाएं अपने अपने राज्य में ले जाने को ज़्यादा आतुर होता था,
सिर्फ एक ही कार्यकाल था जो माधवराव सिंधिया का थोड़े समय के लिए रेल लाइन का था। उस समय उन्होंने इंदौर दाहोद रेल लाइन स्वीकृत की थी, लेकिन जैसे ही माधवराव जी हटे वो स्वीकृत रेल लाइन समाप्त कर दी गई। ये जो खेल हमारे देश में इस प्रकार का चलता है कि जो रेल मंत्री होते हैं वो अपने एरिया का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और दूसरे एरिया का कोई समान ध्यान नहीं रखते, तो इस खेल में हम इंदौर वाले बहुत पिछड़े, क्योंकि हमारे यहाँ से जिस प्रकार से उसका प्रेजेंटेशन होना था वो नहीं हो पा रहा था। जब हमने 2006 में RTI लगाई और ये सारे कागजात इकट्ठे किए, तब पता चला कि हमें धोखा दिया जा रहा है। हमारी जो स्थिति है उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर रिपोर्ट्स में, जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनमें नहीं हो रहा है। उन सत्य को हमने उजागर किया, लगातार हम इस फैक्ट को उजागर करते रहे। और इसमें हमारी तीन प्रमुख रेल लाइनों की मांग थी, एक तो इंदौर दाहोद, एक इंदौर धार छोटा उदयपुर। इंदौर दाहोद से हमारा विशेष वो था कि इस माध्यम से हम सीधे JNPT पहुंचते हैं और JNPT में हमारा उत्पादन, हमारे गुड्स वहां जा सकते हैं। दूसरा इंदौर धार छोटा उदयपुर, इससे हम कांडला पोर्ट पे पहुंचने में हमारी सुविधा होती है। इसके साथ साथ ही जो 1912 से मालवा दरबार के समय में चली आ रही मांग थी इंदौर बनमाड़ रेल लाइन की, हमने उसका भी अध्ययन किया और उस अध्ययन में हमने पाया कि वो भी एक अच्छा रूट हो सकता है इंदौर के लिए और बहुत बेहतरीन कनेक्टिविटी हो सकती है। तो हमने इंदौर मनमाड़ के लिए भी मांग उठाना शुरू की। सबसे पहले राठवा जी ने, जो रेल राज्य मंत्री थे, उन्होंने धार छोटा उदयपुर की मांग का समर्थन किया और 2007 में उसकी स्वीकृति हो गई। 2007 में ही कांतिलाल जी भूरिया ने प्रयास किए और हमने उनको बताया कि भाई ये एक अच्छा रेल मार्ग हो सकता है और इससे हमारे पिछड़े क्षेत्रों का बहुत तेजी से विकास हो सकता है। तो उन्होंने 2007 में ही इसकी स्वीकृति मनमोहन सिंह जी से कराई और दोनों ही प्रोजेक्ट 2008 में मनमोहन सिंह जी द्वारा उसकी शिला रखी गई। तो ये दो प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए, वो हमें खुशी की बात थी। लेकिन ये सरकार का या रेल मंत्रालय की ऐसा प्रतीत होता है कि मजबूरी थी कि सांसदों के कहने पर वो रेल लाइन स्वीकृत हो गई और उसके बाद में उनने बहुत कम पैसा दिया। मैंने जो RTI लगाई उसमें बार बार जो RTI में उल्लेख आता रहा, हर एक के, कांतिलाल जी भूरिया के जो करेस्पॉन्डेंस हैं लालू प्रसाद जी से, उसके बाद में ममता बनर्जी से, और ममता बनर्जी के मनमोहन सिंह जी से, और मनमोहन सिंह जी के योजना आयोग से, और योजना आयोग से वित्त आयोग को, तो ये सारे कम्युनिकेशन में ही हमारे ये प्रोजेक्ट उलझते रहे। इसके बाद जो इंदौर मनमाड़ का था, तो 2015 में अक्टूबर में JNPT के चेयरमैन ने एक मीटिंग बुलाई कि हमें ये बताइए कि इंदौर मनमाड़ रेल लाइन का की लाभप्रदता क्या है। तब उस समय हमने यहाँ कानकोर के सारे डाटा और जो प्राइवेट कार्गो हैं उनके पूरे डाटा लेकर के हमें वहाँ गया, मैंने वो सारे डाटा प्रस्तुत की और उस डाटा को देखते हुए ये एस्टेब्लिश किया कि ये रेल लाइन डालना सरकार के लिए लाभप्रद है और इसमें अच्छी लाभप्रदता आएगी, साथ साथ ही हमारे पिछड़े क्षेत्रों का, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का अच्छा विकास होगा। तो इस आधार पर जब ये बात हुई तो गडकरी जी ने इसको तुरंत स्वीकृति दी और अभी आप लोगों ने देखा होगा थोड़े दिन पहले ही धुलिया के पास इस रेल लाइन का भूमि पूजन कर दिया गया है और बहुत जल्द ही संभवतः 5-1 सालों में, क्योंकि रेल मंत्रालय इसे नहीं बना रहा है, इसे मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो गडकरी जी की है उससे इस रेल लाइन को बनाया जाएगा। इसकी एक अलग से कंपनी भी बन गई है जिसको SPV बोलते हैं, तो वो बन गई है। दूसरा जो इंदौर दाहोद है और धार छोटा उदयपुर की रेल लाइन है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ। 2008 से 2014 के बीच इन दोनों रेल लाइन की प्रगति मात्र 7% थी और ये और बड़ा दुर्भाग्य है
कि उसके बाद से जमीनों का अधिग्रहण का जो कानून आया और दूसरे जो खर्चे बढ़े हैं, उन खर्चों के कारण इन प्रोजेक्ट की कास्ट लगभग 4 गुना हो गई। अब आप ये देखें कि 2014 से हमें फिर उम्मीद जगी, क्योंकि हमारी सांसद महोदय जो है वो अध्यक्ष लोकसभा थी, तो हमें ये लगा कि उनके दबाव प्रभाव से शायद 5 साल में ये रोड, ये पूरा दोनों प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे, लेकिन हम 7% से और नीचे इसलिए आ गए कि जो कास्ट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जितना काम हुआ है उसकी पहले गणना हम 7% करते थे, अब उसकी लागत के हिसाब से तो गणना 5% ही रह जाती है। तो ये हमारा एक प्रकार से विकास को अवरुद्ध करने वाला काम है। एक तरफ हमारी महू, जो हमारे महू अकोला खंडवा वाली जो रेल लाइन है वो 1997 से कटी पड़ी है और एक प्रकार से वो हमारे से सुविधा कम हुई, और जो ब्रॉडगेज होना था वो कार्य हुआ नहीं। इंदौर मनमाड़ जरूर उम्मीद करते हैं कि 5 साल में हो जाएगा, लेकिन इंदौर दाहोद छोटा उदयपुर, इंदौर दाहोद और छोटा उदयपुर धार वाला जो है, ये मध्य प्रदेश के विकास के लिए इसलिए आवश्यक है कि ये पूरा क्षेत्र हमारा आदिवासी क्षेत्र है, अनुसूचित जाति जनजाति का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में हमें विकास की बहुत संभावनाएं हैं। और ये अगर क्षेत्र में रेल का विकास होता है तो बहुत से लोग जिनने अपने जीवन काल में रेल नहीं देखी है वो रेल देख पाएंगे, और हमारे को औद्योगिक क्षेत्रों को अपने गुड्स सर्विसेज को विकास करने का मौका मिलेगा। तो ये प्रमुख हमारी स्थितियां हैं। अब इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण जो रेल प्रोजेक्ट है वो है इंदौर से सीधा सीधा जेएनपीटी को जोड़ने वाला, तो ये जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, उसका 2 जगह से कनेक्शन इस फ्रेट कॉरिडोर में दिया जा रहा है। उसमें एक है महू से कनेक्शन और दूसरा कनेक्शन रतलाम से। तो जो महू का कनेक्शन है वो ऑलमोस्ट इंदौर का कनेक्शन है, क्योंकि वो इंदौर महू और उस प्रकार से दाहोद में जाकर के जुड़ जाएगा। ये गुड्स कॉरिडोर होगा और इसमें सिर्फ माल परिवहन होगा, और ये कोशिश होगी कि 24 घंटे से अंदर अंदर हर उद्योग का माल जो है जेएनपीटी तक पहुंच जाए। दूसरा मंदसौर का है, मंदसौर नीमच का है, जो रतलाम से डिस्पैच होगा और रतलाम से डिस्पैच होकर के वो भी जेएनपीटी की तरफ जाएगा। ये दो काम जो है ये उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है, ये रेलवे के अंतर्गत नहीं है, और जापान सरकार के साथ इसका एग्रीमेंट हुआ है। मनमोहन सिंह जी ने इसको जाकर के एमओयू साइन किया था, और उस एमओयू के अंतर्गत जो पूरा पश्चिमी भारत है वो उस फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ जाएगा और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सबसे बेहतर विकल्प। इसके अलावा जो भविष्य की योजनाएं हैं रेलवे संबंधी, तो एक आपने एक बहुत बड़ी बात यह भी कही है कि इंदौर जिस तरह से उद्योग का और व्यापार का केंद्र है, तो उसके लिए भी जो पहल आपके द्वारा की गई है, तो आने वाले समय में और कौन कौन से आप मानते हैं कि इससे और ज़्यादा विस्तार मिल सकता है? अभी वर्तमान में यदि देखा जाए तो हमारे प्रदेश की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। एक तरफ हमारे पास में विपुल खनिज भंडार है, और दूसरा हमारे खाद्य जो प्रसंस्करण के लिए अवसर हैं वो बहुत आगे तक जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, और दूसरी तरफ खदानों के कारण से सीमेंट वगैरह चूना वगैरह बहुत उपलब्ध है, और तो सीमेंट आदि से संबंधित उद्योग ये यहाँ बहुत तेज़ी से विकसित हो सकते हैं, और इनको विकसित करना ज़रूरी भी है, क्योंकि एक तरफ रोजगार की समस्या है और दूसरी तरफ किसानों के वैल्यू एडिशन की समस्या, क्योंकि जब तक कि वैल्यू एडिशन नहीं होगा किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिलेगा, और जब तक कि किसानों को उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिलेगा तब तक सरकार समस्या में रहेगी, किसानों को उन्हें ऋण माफ करना पड़ेगा, उन्हें भावांतर देना पड़ेगा, उन्हें सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो दूसरा विकल्प यह है कि किसान सक्षम हो जाए, और किसान तभी सक्षम हो सकते हैं जब उनके उत्पाद का फर्दर वैल्यू एडिशन हो। तो उत्पाद का वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा लेकिन उनके ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि प्रसंस्कृत खाद्य जो है वो बहुत लंबे समय तक टिकने वाला खाद्य नहीं होता, तो उसको फास्ट मूवमेंट चाहिए।
तो उस फास्ट मूवमेंट के लिए भी ये जरूरी है। दूसरा जो मध्य प्रदेश में इंदौर भोपाल की संभावनाएं हैं वो एक प्रकार से यहाँ स्टोरेज लॉजिस्टिक की संभावनाएं कह सकते हो कि पूरे देश के मध्य में है, यहाँ से कोई भी सामान पूरे देश में 24 घंटे के अंदर भेजा जा सकता है। तो वो तभी भेजा जा सकता है जब रेल और रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो। कई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें मध्य प्रदेश का फायदा मिल सकता है। बहुत से उत्पाद जो नॉर्थ इंडिया में पैदा होते हैं और जिनकी सप्लाई साउथ इंडिया में होती है। अब इसमें यह भी अध्ययन है कि जो उत्पादन होता है वो ठंड के दिनों में होता है और उसका कंजम्पशन जो है वो गर्मी के दिनों में होता है। जैसे आलू प्याज की स्थिति, गर्मी में उसका उपभोग बढ़ जाता है। तो गर्मी में जब डिमांड आती है तो अगर आप उत्तर प्रदेश से आलू को मद्रास भेजेंगे तो 3-4 दिन के ट्रांसपोर्टेशन में आधा आलू सड़ जाता है। तो उसके लिए बेहतर विकल्प यह है कि ठंड के समय में जब आलू पैदा हो तो वो इंदौर में भोपाल में यहाँ संग्रहित हो और जब डिमांड आए तो यहाँ से 24 घंटे में वो पहुँच जाए। तो ये सब संभावनाएं हैं। तो ये संभावनाओं को हम तभी लाभ उठा सकते हैं जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन, तो रोड ट्रांसपोर्ट तो फिर भी सुधर रहा है लेकिन रेलवे में हम अभी तक बहुत पीछे हैं। और रेल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चीपेस्ट होता है। रोड ट्रांसपोर्ट से रेल की कास्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, वो 60-70% होती है। तो इतनी बड़ी बजट जहाँ पर ट्रांसपोर्ट कास्ट बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ इतनी बड़ी बजट को बड़ी संभावनाएं में देखा जाता है उद्योगों में। तो ये जब भी उद्योग लगते हैं तो वो इन सारी संभावनाओं का पहले आकलन करते हैं और उसके बाद ही स्थापित होते हैं। और इसीलिए मध्य प्रदेश की पूरे देश भर से कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। ये हमारा दुर्भाग्य ही हम कह सकते हैं कि रेल कनेक्टिविटी के मामले में जो राष्ट्रीय औसत है 19%, उससे हम 2% पीछे हैं, 17% के आसपास है। जबकि यानी ये 17 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर और राष्ट्रीय औसत है 19 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर। जबकि पश्चिम बंगाल की जो कवरेज है वो है 43 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर। तो ये हम इतने पीछे हैं। बंगाल पूरा रेल का जाल बिछा हुआ है। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब हमसे आगे हैं, पंजाब, ये सब हमसे आगे हैं। हम मध्य में हैं और जो भी हमारे पास रेल लाइन है वो रेल मंत्रालय की मजबूरी ही है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ जाना हो या ईस्ट से वेस्ट जाना हो, हमारा मध्य प्रदेश चूंकि बीच में आता है तो रेल लाइन यहाँ से गुजर जाती है। लेकिन हमें कोई स्पेसिफिक सुविधा चाहिए, स्पेसिफिक रेल लाइन चाहिए, तो उसके लिए अगर आप देखें तो 1912 के बाद से आज तक कोई भी नई रेल परियोजना हमको नहीं मिली है। बस छोटे मोटे टुकड़े कहीं कहीं जोड़ दिए जाते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।